हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत, और आज के वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं ग्रीन स्क्रीन के बारे में। तो आप सभी लोग क्रोमा की के बारे में जानते हैं। तो आप जब भी मोस्ट ऑफ द केसेस में शूट करते हैं, अगर आप कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हैं स्टूडियोज में, तो हम लोग ग्रीन स्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप बाद में VFX और जो बैकग्राउंड में करेक्शन है या बैकग्राउंड को रिप्लेसमेंट है वो सब कुछ कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो और कुछ भी ऐड करना हो आपको ग्राफिक्स वो आप ऐड कर सकते हो। ग्रीन स्क्रीन शूट करना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, दिखने वो जितना इजी लगता है ना गाइज उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना। रीज़न क्या होता है, अगर आपने ग्रीन स्क्रीन में अगर आपने लाइटिंग की मिस्टेक करी या कपड़ों की मिस्टेक करी या फिर कैमरे में कोई मिस्टेक करी सेटिंग्स को लेकर के, तो जब आप एडिट करने बैठेंगे फुटेज को तो वो अच्छे से एडिट नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई ग्रीन स्क्रीन को समझना, कैसे उसको शूट किया जाता है वो जानना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ही। तो मेरे पास में यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप मैं अभी लाइव पे आपको करके दिखाऊंगा, और उस लाइव पे ही मैं आपको ग्रीन स्क्रीन कैसे आप लाइव पे, अगर आप लाइव करते करते ग्रीन स्क्रीन कट करना चाहते हैं और इसके साथ साथ में जब आप शूट करने के बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आप कैसे ग्रीन स्क्रीन कट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप कर लिया है राइट, ताकि मैं आपको लाइव पे ग्रीन स्क्रीन का जो है ओवरऑल प्रोसेस समझा सकूं कि आप लाइव करते टाइम पे ग्रीन स्क्रीन को कैसे प्रोसेस कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे टेबल पे मेरा थोड़ा सा कंजर्वेटिव सा हो गया बिकॉज टेबल मेरा छोटा है राइट। तो मैंने यहाँ पे एक लाइव डेमोस्ट्रेशन रखा हुआ है जिसमें मेरे पास में स्टार वॉर का मेरा सबसे फेवरेट टॉय है जेडाई राइट, द लास्ट जेडाई ठीक है। फिर मैंने ग्रीन कार्ड या ग्रीन जो पेपर होता है वो बैकग्राउंड में प्लेस किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो लाइट का जो है प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब जब भी ग्रीन कट जब करते हैं ना या ग्रीन या क्रोमा की इफेक्ट करते हैं तो सिचुएशन में जो है बेसिकली लाइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो लाइटिंग दी है वो लाइटिंग जो यूज़ करी है, यहाँ पे मैंने की लाइट रखी है ठीक है, जो कि यू कैन सी यहाँ पे की लाइट है मेरे पास में राइट, जो कि मेरे मेन सब्जेक्ट को पूरा लिटअप कर रही है ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ यू कैन सी कि मेरा जो वीडियो पूरा का पूरा डार्क हो गया है, अंडर एक्सपोज हो गया है, मेरे फेस सब्जेक्ट के फेस पे एक तरफ से शेडो आ रहा है राइट। अब शेडो को लिटअप करना है तो मैं लाइट ऐड करूँगा ताकि मेरे सब्जेक्ट के फेस के ऊपर लाइट ऐड हो जाए ठीक है। मैं हल्का सा फोकस कर लेता हूँ, अभी फोकस आउट हो गया है हाँ राइट। उसके बाद जो बैकग्राउंड में लाइट देना ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लाइट दे देते हैं बट हम लोग बैकग्राउंड में लाइट देना भूल जाते हैं, तो बैकग्राउंड में भी लाइट ऐड करना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में भी एक लाइट प्लेस करी हुई है ताकि जो मेरा ग्रीन है पीछे का यू कैन सी वो डार्क हो गया पूरा, और जैसे ही मैं लाइट प्लेस करूंगा वो पूरा का पूरा उसके ऊपर लाइट आ जाएगा एंड लिटअप हो जाएगा ताकि जो ग्रीन भी है वो प्रॉपरली बैकग्राउंड एक्सपोज हो पाए और उसे आप बाद में इजीली अपनी सॉफ्टवेयर में प्रोसेस कर सको। अब बैकग्राउंड इज ऑल्सो प्रॉपरली लिटअप, मेरा सब्जेक्ट भी प्रॉपरली लिटअप है। हल्का सा मैं अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर देता हूँ राइट, एंड नाउ थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो गई है वीडियो, कमी कर देता हूँ मैं इसको ठीक है। और नाउ अब हम लोग जो है वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट ऐड करेंगे अपने वीडियो में लाइव पे। अब मैं आपको क्विकली ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो अभी आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा होगा OBS स्टूडियो, और मैंने HDMI के थ्रू जो है आउटपुट लिया हुआ है मेरे कैमरा का, आपको कैमरा का आउटपुट भी नज़र आ रहा होगा ठीक है। अब हम लोग लाइव पे क्रोमा की इफेक्ट ऐड करेंगे। अब लाइव पे क्रोमा की इफेक्ट करना बहुत ईजी है, आपको सिंपली अपने वीडियो फीड के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोगों को फिल्टर्स पे और इफेक्ट्स पे आना है। तो यहाँ पर फिल्टर्स दिख जाएंगे आपको, नीचे की तरफ आएंगे, इफेक्ट फिल्टर पर ऐड करना है क्रोमा की इफेक्ट। मैं जैसे क्रोमा की इफेक्ट ऐड करूँगा यू कैन सी कि बैकग्राउंड पूरा का पूरा जो है वो फुटेज के अंदर से इरेज हो गया। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपरली बैकग्राउंड जो है इरेज हुआ है। अब मुझे इसमें एक इमेज का प्लेसमेंट देना है ताकि यू नो इमेज ऐड हो जाएगी तो बैकग्राउंड और अच्छा नज़र आएगा ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन प्लस करूँगा, एंड प्लस करने के बाद में मैं ऐड इमेज करूँगा। तो यहाँ पर इमेज ऐड करेंगे हम लोग, हिट ओके, ब्राउज दिस पीसी, ड्राइव डी, एनिमेशन स्टूडियो, बैकग्राउंड, एंड ये मैंने इमेज जो है वो ऐड कर दिया ठीक है। अब मैं इस पूरी इमेज को स्क्रीन पे स्ट्रेच कर दूंगा और मेरी वीडियो फाइल के नीचे ले आऊँगा। तो यू कैन सी के लाइव पे जो है वो कितना अच्छे से क्रोमा कट हुआ है, बहुत अच्छे से। अब आप देखोगे इसमें कोई भी आपको जो है फ्रिंजिंग या फिर जो भी ग्रीन में लाइन्स नज़र आती है ना वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। तो अगर आपने प्रॉपर लाइटिंग की हुई है और अच्छे से आपने क्रोमा
का इफेक्ट यूज़ किया है, प्रॉपर लाइटिंग की हुई है, प्रॉपर आपके पास ग्रीन पर्दा है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है क्रोमा कट करने में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रोमा कट हुआ है विदाउट एनी इशू, राइट। अब इस सेम फुटेज को अगर आप लोगों ने शूट किया है, ठीक है, और आप बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में भी इसमें कलर करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको सिंपली इसको मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना रखा है कि आप कैसे क्रोमा की इफेक्ट यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में, तो जाकर के आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। और इस सेम फुटेज को आप चाहे से मोबाइल में प्रोसेस कर लो, बिकॉज हम लोगों ने प्रॉपर ग्रीन को एक्सपोज किया, क्योंकि देखिए ग्रीन पे लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने सब्जेक्ट को भी प्रॉपर लाइटिंग से लिटअप किया, तो आप आसानी से मोबाइल फोन के इवन एप्लीकेशन में इजीली आप इसे बेसिकली क्रोमा कट कर सकेंगे, स्क्रीन पे आपको अभी नजर आ रहा होगा। तो ये बहुत इजी तरीका है, राइट। क्रोमा अगर आप करते हैं तो आपको लाइटिंग पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में वीडियोग्राफर्स मिस्टेक करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा डेमोस्ट्रेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ साथ में मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड गाइस कीप शूटिंग।